जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? शिवशिष्ट, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मुझे बालों में ये मेथी और जो कलौंजी होता है ये लगाना, मैंने यहाँ इसे रख दी है। यह है उबल रहा है। अब इसकी जब पानी आधा हो जाएगा तब इसको हम पानी से निकाल कर फिर इसको पीस के अपने बालों में अप्लाई करेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो जरूर बताना। हम जा रहे हैं खाना बनाने। मुझे बनाना है रोटी और सब्जी, खाने भी बनाना है। अब मैंने अपने फेस पर कुछ नहीं लगाया। अभी मैंने ये वाली साड़ी बांधी है आज, मैंने ऐसे पहनी है, इसे इस तरीके से पहनी है आज। तो हाँ गाइस, कैसे हो आप सब? तो मैंने इधर कढ़ाई रख दी है, मुझे सब्जी रोटी बनाना है। और मैंने जो छोटा वाला चूल्हा है गैस सिलेंडर का, छोटे वाले चूल्हे पे मैंने रख दी कलौंजी और मेथी उबल रहा है। इधर मेरे हस्बैंड खड़े थे तो मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं वही हंस रही थी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सीरियल वाला क्योंकि इसलिए दिखाया है क्योंकि डीडी नेशनल पे इस समय रामायण आ रहा है और डीडी भारती पे महाभारत आ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दे, क्योंकि घर में ही रहना है तो थोड़ा आप लोग का भी टाइम पास हो जाएगा और अच्छी खासी सीरियल आती तो क्यों हाथ से छूट जाए। तो चलो हम लोग क्यों ना देखें बैठ के, घर में सारे लोग हैं, फिर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं भूल ही गई थी कि डीडी भारती पे नहीं, डीडी नेशनल पे आता है। तो प्लीज़ आप लोग से सॉरी, मैं भूल गई थी। लेकिन बट मैंने जब इस समय देखा, रात में 9 बजे मैंने देखा, तो सच में डीडी नेशनल पे आ रहा था। और डीडी भारती पे तो शायद महाभारत ही आ रहा था। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा किस पे आ रहा है। और जो सीरियल चल रहा है प्लीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब घर में रहेंगे और देखेंगे तो जब हम लोग को ऊब सी होती तो ऊबन मिट जाएगी, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़रूर देखना, सबका टाइम पास हो जाएगा। और फिर वैसे अच्छी अच्छी संदेश भी तो मिलती है, थोड़ा अच्छे से मनोरंजन हो जाएगा और थोड़ा जानकारी भी तो हो जाएगी, नॉलेज भी हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सब्जी बना ली है, मुझे रोटी केवल बनानी है। अब मैंने ये जो मैंने मास्क बनाया है इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करेंगे। वैसे मैंने बना के रख दी पर लगाई नहीं है अभी। जो पानी होता है मैं पहले ही लगा लेती हूँ और जो ये वाला होता है मास्क मैं बाद में यूज़ करती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करना, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर से बाहर निकलने में इतनी सारी बुराई है तो क्यों घर से बाहर जाए। घर में ही रहना, घर में रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तब तक सही रहेंगे। घर से बाहर जाने पर खतरा ही खतरा है, तो मत जाइएगा प्लीज़। जो लोग हमारी बातें सुन रहे हैं वो लोग तो बाहर कतई ही नहीं निकले। हमने बहुत सारे लोग को देखा है बाहर निकलते हुए। इससे आप लोग से बार बार यही कह रही हूँ कि बाहर मत निकलना, क्योंकि बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि बिना काम बिना वजह के बाहर घूमते फिरते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेरा मेथी वाला पानी था बिल्कुल सूख चुका था, थोड़ा सा बचा था, तो मैं इसको छान नहीं हूँ। अब इसे छान के अलग कर लेंगे। ये जो कलौंजी और मेथी बचेगा इसे हम पीस लेंगे। और फ्रेंड्स हाँ, इस कलौंजी मेथी में थोड़ा सा ऑयल डाल के तभी लगाना, क्योंकि अगर आप लोग ऑयल नहीं डालोगे तो ये बाल में बिल्कुल चिपक जाता है, जल्दी निकलता नहीं है। अब ऑयल डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने इसलिए आप लोग से ये शेयर की क्योंकि मेरे बाल जो थे बहुत झड़ चुके थे, आगे से पूरा निकल गए थे, गंजा गंजा पन आने लगा था।
देखो पीस करके ऐसा ही तैयार हुआ है। अब इसमें नारियल का तेल डाल देंगे। तो मेरा ये बाल जो गंजा गंजापन हो गया था वो बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल एकदम से सही हो गया। मेरे बाल तो बिल्कुल कल गई हैं इसलिए नहीं पता चलता। तो हाँ फ्रेस, आपसे तो हाँ फ्रेस, मैंने इसे पीस कर रख दिए, उसके बाद में मैं लगाऊंगी, कुछ देर में लगाऊंगी, पता नहीं अभी लगाऊं या सुबह लगाऊं। वैसे तो समय काफ़ी हो गए हैं, 4:45 बज रहे हैं, अब इतनी समय क्या लगाऊं, उसे सुबह लगाऊंगी मैं, सुबह लगाऊंगी, फिर जब सुबह सर से नहा लूँगी लगाने के बाद। और आप लोग कैसे हो प्लीज बताना। तो मैंने ये पीस के रखा है, ये पीस के मैंने रख दिए। पहले मैं इसका जो पानी निकला है पानी लगा लूँगी, थोड़ा बाल मेरे भींग भी जाएंगे, उसके बाद में फिर इसे खूब अच्छे से लगा लूँगी, मांग निकाल निकल के अच्छे से मैं लगा लूँगी। तो अब हम चलते हैं छत पे, तो आप भी चलिए मेरे साथ, क्योंकि अब शाम हो गए, थोड़ा छत पे निकल लें, टहल घूम लें, सारा दिन घर में रहते हैं ना, तो इसी जैसे चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा छत पे चलेंगे, घूम टहल लेंगे। वैसे सारे लोग छत पे आ गए होंगे, तो अब चलते हैं छत पे। तो हाँ फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने छत पे, और आप लोग कैसे हो जरूर बताना। अब मैंने बालों के लिए जो क्या कहते हैं उसे, कुछ भी कह रहे, मुझे तो ये नहीं आता कि क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मेथी का और जो कलौंजी का मैंने बनाया है वो पहले मैंने भिंगो दिया था, शाम को भिंगोए थे, और फिर मैंने सुबह उबाला है आप लोग के सामने। उबालने के बाद जो पानी बचा है मैंने उसे निकाल के रख दी, उसके बाद में उबाल के रख दी, उसके बाद में जो उसका मेथी और कलौंजी बचा था उसको मैंने पीस लिया है, और पानी जो थोड़ा सा उसे पहले अपने बालों में लगा करके गीला कर लेंगे, उसके बाद में हम कलौंजी और मेथी वाला जो बैटर मैंने तैयार किया उससे अप्लाई करेंगे। उससे क्या होता है, मेरे बाल शाइनिंग हो जाते हैं, और मेरे बहुत से बाल जो इधर के थे, आसपास के थे, सब निकल गए थे, ये सब बाल फिर से आ गए। ये छोटे छोटे आप लोग देख रहे हो ना, ये बाल आ गए हैं, दोबारा आ गए। उससे होता है बाल गुलाब हो जाता है और मुलायम हो जाता है। वैसे तो मेरे बाल कल गए ना, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ फ्रेंड्स, मैंने पहले सबसे पहले मैंने आपको वो सीरियल राम जी का दिखाया है, रामायण वाला, तो हाँ देखो कितनी अच्छी बात है, जो इतनी अच्छी सीरियल आ रही है, इसी समय आज ही से स्टार्ट हुआ है, तो कितनी अच्छी बात है। तो आप लोग घरों में रहो, और महाभारत भी स्टार्ट हो गया है और रामायण भी स्टार्ट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना, और टाइम पास भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, इधर उधर जाना नहीं, तो फिर अच्छा है कि अपने घर में रहेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो वैसे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो सुबह से स्टार्ट कर दी है, और मैंने आप लोग को भी दिखा दी है। तो हाँ फ्रेंड्स, वो डीडी भारती पे आता है, फ्री वाले चैनल पे आता है, कोई पैसा कोई चार्ज उसमें नहीं, वो फ्री वाले चैनल पे आता है। वैसे ये चीज़ अच्छी लगी कि जो फ्री वाले पे हैं हर कोई उसका लाभ उठा सकता है, जिनके पास छोटी टीवी है वो भी लाभ उठा सकते हैं, यानी जिनके पास रिचार्ज वाला नहीं लगा है, फ्री डिश लगा है, वो भी लाभ उठा सकते हैं, जिनके पास रिचार्ज वाला वो तो देखेंगे अच्छे से ना। मैंने देखा तो सोचा चलो जिनको ना पता लगा हो तो मेरे वीडियो के माध्यम से पता लग जाए तो और अच्छी बात है। और हाँ फिर जो मैंने बालों के लिए मास्क बनाया, समझ लीजिए मास्क या कुछ भी कह लीजिए, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। वैसे मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं है, ज़्यादा लंबे नहीं, क्योंकि हम बाल बहुत जल्दी जल्दी कटा देते हैं, क्योंकि ये कलगी बाल है ना, कंघी जल्दी नहीं कर पाते, इसमें उलझ जाती, जल्दी सुलझते नहीं, इसी वजह से बहुत जल्दी कटा देते हैं, पर हाँ फायदा बहुत करता है। और जो नेचुरल चीज़ होता है, जो घर की बनी चीज़ होती है, उसमें कुछ और ही बात होता है, कुछ और ज़्यादा ही फायदा करता है। तो आप लोग ज़रूर वो वाला जो सीरियल आता है ज़रूर आप लोग देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। और तो फिर देखो धूप निकला, हल्की हल्की मेरे चेहरे पर आ रही है धूप निकला है, शाम होने वाले हैं। और वैसे तो आज कौन सा दिन है, शनिवार है, आज शनिवार है, शाम होने वाले हैं,
लगभग में 5-5 बज रहे होंगे, वैसे मैंने टाइम नहीं देखा कितने समय में, पर 5-5 लगभग में होंगे। छत पे चले आए थे कि चलो थोड़ा सा इंजॉय ले लें, पर यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग ज़रूर इंजॉय लीजिएगा। हाँ, रामायण का, महाभारत का, और बालों में अच्छे से मसाज करिएगा, आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे आप लोग बताना कि मेरे बाल आप लोगों को कैसे लगते हैं, बहुत कलगी कलगी हैं। और मैंने ये वाली साड़ी आज पहनी है, मैंने ऐसे बांधा इसे, इस तरह से इसे पहनी है। तो फिर अब आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। और इस वायरस जो चल रहा है, इसमें कोरोना वायरस, कोरोना से ज़रूर बच के रहिएगा। तो ठीक है, बाय बाय।